वंदे मातरम। 13 नवंबर 2020 आयाम 8 बजे रोजाना की तरह उदय मन्ना आप लोगों से मिलने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा पूरे भारत में फैलाने के लिए रूबरू हो चुका है। और आप जानते हैं कि इस समय 5 दिवसीय दीप पर्व चल रहा है। तो आइए फेसबुक लाइव की शुरुआत जो है, सबसे पहले आरजेएस के जो राष्ट्रीय गीत है जो कि सकारात्मक सोच पर आधारित है, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जय हिंद जय भारत से शुरू करते हैं। Power on, caring, connected. ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए, आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जहाँ तो आप जानते हैं कि जो सकारात्मक सोच होती है वो सकारात्मक परिणाम भी देता है। और 5 दिवसीय जो दीपावली का त्यौहार है उसे लेकर बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, तमाम भारत के अलग अलग राज्यों में, पूरे देश को एक सूत्र में ये दीपों का त्यौहार जो है वो बांध देता है। और उल्लास, उमंग और श्रद्धा के साथ साथ वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। और त्रयोदशी यानी कि धनतेरस का जो पर्व है वो भी आप जानते हैं, ये लोगों ने कल भी मनाया और आज भी मना रहे हैं। और 5 दिन के दीपोत्सव की जो है शुरुआत हो गई और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि धनतेरस पर लोग झाड़ू भी खरीदते हैं और कुछ धातुओं के बर्तनों की भी खरीदारी करते हैं। धनतेरस धन्वंतरि जी की भी पूजा को अर्चना के लिए मान्यता दी गई है। और समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि एक रत्न के रूप में समुद्र मंथन से बाहर आए थे और धनतेरस के शुभ अवसर पर धन्वंतरि के साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की आराधना की जाती है। और धन्वंतरि जयंती के अवसर पर आप जानते हैं 2016 से आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाने लगा है। आयुर्वेद जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बिना किसी साइड इफेक्ट की चिकित्सा पद्धति है। और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए या भारत के जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कही जाती है उसको लेकर सरकार ने भी नए नए अवसर पढ़ने लिखने के लिए हॉस्पिटल और कॉलेज की तरफ आगे आई है। तो आइए पारसार्थी थपलियाल साहब जो रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं और आप जानते हैं कि आरजेएस के स्टार भी हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं, राष्ट्रीय वेबिनार के वक्ता भी रह चुके हैं और आज यूट्यूब पर उनकी एक बाइट लगाई गई है। 5 दिवसीय पर्व पर पारसार्थी थपलियाल की 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली को सकारात्मक संदेश। अब आरजेएस फैमिली के साथ साथ अब फेसबुक फ्रेंड्स के लिए भी पारसार्थी थपलियाल जी के क्या संदेश है, तो आइए आपको रूबरू कराते हैं पारसार्थी थपलियाल जी। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद मिनट में आपके लेना चाहूंगा। हम ये जो 5 दिवसीय पर्व मनाते हैं, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली, फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद भाई दूज, संक्षिप्त सी बात है क्यों मनाते हैं। खुशी का माहौल होता है, जैसे आरजेएस अपने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मकता पैदा करता है, उसी तरह से हमारे ये जो तमाम पर्व होते हैं ये सकारात्मकता पैदा करते हैं। और ये सकारात्मकता कम से कम आप उसे एहसास करेंगे कि जब हम पर्व के दिनों में होते हैं तो लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं, खुश रहते हैं, कुछ बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खिलाते भी हैं। तो ये तमाम चीजें हमारे उस व्यवहार के साथ में है जहां पर कि हम सकारात्मकता पैदा करते हैं। क्यों मनाते हैं? तो धनतेरस के दिन
धन्वंतरी का जन्म हुआ था, समुद्र मंथन से निकले थे एक रत्न, तो उनकी जयंती के तौर पर धनतेरस मनाते हैं और उस दिन भी हम छोटी दिवाली के तौर पर इस दिन को मनाते हैं, दीप जलाते हैं। और दीप दान की भी हमारे यहाँ एक प्रथा है, वो हम दूसरे दिन चतुर्दशी के दिन करते हैं, जिस दिन नरक चतुर्दशी जिसको बोलते हैं। और उस दिन ये होता है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वे अपने घर में दीप जला करके और कहीं किसी अज्ञात स्थान पर भी जो है उसको रख करके आते हैं। इस दिन लोग दीप दान भी करते हैं, लोगों को दिए जलते हुए दीप दे करके, ताकि उनके घर में भी रोशनी और आपसी सद्भाव बढ़े। इसके पीछे इच्छा ये है कि आपसी सद्भाव बढ़े। भगवान रामचंद्र जी यहाँ अयोध्या लौटे थे और अयोध्या लौटने पर जो अयोध्या वासियों ने खुशियों का इजहार किया था, खुशियां दिखाई थी, उसी खुशी का इजहार ये था कि दीपक जला करके रोशनियां की गई थी, खुशियां बांटी गई थी। जो नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसके आतंक से लोग इतने ज्यादा पीड़ित थे कि उस दिन तो यम को याद किया, यम चतुर्दशी भी बोलते हैं उसको, और अगले दिन यानी अमावस के दिन लोगों ने अपने घरों में दीपक जला करके और खुशियां बांटी और मिठाइयां वगैरह बांटी। तो इस तरह से ये है। और जो चतुर्दशी का दिन होता है उसको रूप चौदस भी बोलते हैं। उस दिन लोग अपने शरीर को विशेष रूप से आकर्षित करने का कोशिश करते हैं, नहाते धोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। और हमारे यहाँ देश में पहले से सकारात्मकता लाने के लिए ये रहा है कि केवल ये नहीं है कि हम अच्छे कर्म ही करें, हमें अच्छा दिखना भी चाहिए, उसके लिए प्रयास करते रहे हैं, तो इसलिए रूप चौदस मनाई जाती रही है। और फिर पांडव जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके लौटे थे तो वो दिन भी यही था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान महावीर इसी दिन मोक्ष को प्राप्त हुए थे, इसलिए जैन धर्मावलंबी भी इस दिवस को इस दीपावली के तौर पर मनाते हैं। सिख धर्म के जो तीसरे गुरु थे अमरदास जी, उन्होंने इस दिन को लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था और 1577 में अमृतसर में हरमिंदर साहिब का जो है शिलान्यास हुआ था। और इस प्रकार अनेक कहानियां हमारे इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। अगला दिन होता है गोवर्धन पूजा का। गाय जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण एक जानवर है जिसको माता भी कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था तो कहा था कि बरस बरस कर इंद्र थकेंगे, हानि जरा भी कर न सकेंगे। तो उस गोधन की रक्षा के लिए, उसको सम्मान देने के लिए इस दिन विशेष रूप से गायों को भोजन कराया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, तमाम गौवंश को जो है सम्मान दिया जाता है। और अगला दिन होता है फिर, उसको यम द्वितीया भी बोलते हैं और भाई दूज भी बोलते हैं। इस दिन को मनाने के लिए लोग बहने खास कर से और अपने भाइयों के लिए लंबी आयु की कामना करती हैं, व्रत रखती हैं। और हमारे देश के अनेक अंचलों में इस बात को, इस पर्व को लेकर के विभिन्न तरह के आयोजन होते हैं। बिहार में बहुत ही अलग किस्म का होता है कि बहन अपने जीव को कांटे से जो है चुभो करके दर्द देती है और बाद में फिर जो है भाई को बहुत लाड करती है, उसकी दीर्घायु की कामना करती है। ये सारे जो त्योहार है ना, ये हमें जुड़ने का अवसर देते हैं, सकारात्मकता पैदा करने का अवसर देते हैं। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो कोशिश करें कि हम इस सकारात्मकता को बनाए रखें और उसके लिए हम काम करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो और जो ये दीपावली का पर्व है हम सभी के लिए खुशियां लेकर के आए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद पार्षद थपलियाल जी, और आप बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं और वो है थपलियाल डायरेक्टरी का निर्माण कर रहे हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो नई पीढ़ी तक निश्चित रूप से पहुंचेगी कि थपलियाल परिवार भारत में कहां कहां पर हैं। और हम लोग समर्थन करते हैं कि आप अपने इस लक्ष्य को जल्दी से पूरा करें और वो चीज़ जो है वो नई पीढ़ी तक पहुंचे। और थपलियाल जी की रचना जो है, जो कि आगामी आरजेएस की किताब आएगी, उसकी उसका आलेख भी थपलियाल जी ने भेज दिया है। और दीपावली के अवसर पर आज
पूर्व संध्या पे दीपावली के आपको ये दिखाई गई सुनाई गई। और दीपावली के दिन भी आप लोग अगर जुड़ते हैं, संख्या बल पर सकारात्मक भारत आंदोलन नहीं चलता है, ये समाज में काम चरैवेति चरैवेति, मतलब हम लोग अपना कार्य करते रहेंगे। एक घंटा के लिए हम लोग दीपावली के अवसर पर भी जुड़ेंगे और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं, जो आरजेएस फैमिली है, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, तो आप सबों तक ये पहुंचा है। तो थपलियाल जी को नमन है, वंदन है कि उन्होंने अपनी वीडियो जो है बहुत ही जानकारी पूर्ण वीडियो जो है वो साझा किए, और जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको भी ये जानकारी जो है वो मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि आप अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आप लोगों का वो चीज़ जो है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। और दीपावली के अवसर पर एक और चीज़ जो है वो बताना चाहेंगे कि हुनर हाट का आयोजन अगर दिल्ली में आप हैं तो, वैसे तो पर्व त्यौहार को जैसे मनाएं आप, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुनर हाट जो है उसके बारे में भी जानकारी आपको दे देते हैं कि ये 22वां हुनर हाट जो है वो दिल्ली हाट पीतमपुरा दिल्ली में 11 नवंबर से 22 नवंबर तक है, वोकल फॉर लोकल। तो ये लोकल फॉर दिवाली हुनर हाट, तो इस तरह के वहाँ पे जो हुनरमंद कलाकार आएंगे उन लोगों के मनोबल बढ़ाने का भी, जैसे वहाँ पे दिए वगैरह भी मिलेंगे, तो जिन लोगों ने नहीं लिया है वो दिए भी ले सकते हैं। 11 से 22 नवंबर तक ये है हुनर हाट, तो आप वहाँ पे आनंद ले सकते हैं। और आपको एक और चीज़ की, पॉल्यूशन में हम लोग रहते हैं और दीपावली पे आप जानते हैं पटाखे वगैरह पे बैन लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी आवाज़ कहीं कहीं से आती रहती है कि पटाखे छूट रहे हैं, तो लेकिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। पराली को तो आप जानते हैं, दिल्ली में इस तरह की मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो डिकम्पोजर और नई तकनीक से पराली को खाद बनाने की विधि जो है अपनी, हम लोगों ने दिखाया भी था। तो इस तरह से प्रदूषण से दूर रहना है, क्योंकि एक तो कोरोना, ऊपर से प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण भी जानलेवा होता है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमें अपने दीपावली को मनाते हुए दूसरे लोगों को, जैसे थपलियाल जी ने अभी बताया अपनी वीडियो में कि ऐसा त्यौहार है जिसमें अपने घर में तो रोशन करते ही हैं और कुछ दिए जो हैं वो ले जाकर कहीं पे रख दिया जाता है। वो क्यों रखा जाता है? वो दिए इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि दूसरों का घर भी रोशन हो सके, उसके पीछे की भावना ये होती है। और जब तमाम संपन्न लोग ऐसा करने लगते हैं तो तमाम दिए जो हैं वो बाहर और छुप के, इन्होंने बताया कि छुप के रख देते हैं ताकि जिसके घर में तेल ना हो। एक हमारी परंपरा रही है, ये प्रतीक रूप में आप समझ सकते हैं कि आपने तो अपना घर रोशन कर लिया, लेकिन उस दिए से जो आप बाहर रख के आए हैं उससे दूसरों का घर भी रोशन हो सकता है। तो ये परंपरा है। और आप जानते हैं दीपावली में बहुत सारे उपहार आते हैं, उपहार लोग बांटते भी हैं और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते भी हैं, दिए वगैरह को लेकर भी, कि अगर पटरी पे कोई दिए बेच रहा है तो लोग, अब जागरूकता धीरे धीरे आ रही है कि हम अपने स्वदेशी चीज़ों को खरीदें और उसमें गर्व का महसूस होना ये अपने आप में स्थापित होता जा रहा है कि अगर आप स्वदेशी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गर्व का अनुभव आपको भी होगा और देखने वाले को भी होगा, तो इज्जत जो है वो बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान हमें देना है कि हम कम से कम पॉल्यूशन करें, हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। दीपावली को दीपों का त्यौहार, जैसे कि होली को रंगों का त्यौहार मानकर मनाया जाता है केमिकल्स वगैरह से दूर रहकर, उसी तरह से दीपावली पे हमें प्रदूषण न फैले ये दिमाग में रखकर दीपावली का आनंद लिया जाए। आनंद खूब लीजिए और खूब अच्छे अच्छे पकवान वगैरह जो हैं, लेकिन बाज़ारों में भीड़ भाड़ से सतर्क रहें, क्योंकि दिल्ली को तो अलर्ट मोड पे रखा जा रहा है कि पूरे देश की निगाह है कि यहाँ मामले 104 कल हुए, पिछले 24 घंटों में, मतलब आप समझिए कि कल 104 के आंकड़े हैं, कल डेथ के आंकड़े हैं, और परसों के आंकड़े हैं 84 हैं। इतने लोगों ने कोरोना काल में जो है इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी सकारात्मक रहेंगे तो इम्यून सिस्टम आपका स्वयं ही बढ़ता जाएगा, इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है,
सावधान रहने की जरूरत है। इसी को कहते हुए प्रदूषण से दूर रहने के लिए और प्रदूषण क्या क्या नुकसान करता है इन सब चीजों को, क्योंकि दीपावली आप जानते हैं कि प्रदूषण इतना फैलता था कि जो कीट पतंगे होते थे वो भी खत्म हो जाते थे, मच्छर वगैरह सब खत्म हो जाते थे। इस तरह की भी दीपावली हम लोगों ने देखी है और पटाखे से नुकसान की भी खबरें आती हैं, दीपावली में कहीं आग लग गई, तो ये सब सावधानी घर घर में, जैसे कि आपका कर्टेन जो है वहाँ पर कोई कैंडल या दिया आपने रख दिया तो उससे आग लगने का खतरा होता है, तो आप अपने बच्चों के साथ सतर्क रहें और निगाह में रखें जो भी दिए जल रहे हैं। और इसमें तो परंपरा है कि रात में दिए बुझाए नहीं जाते हैं जितना जल जाए, लेकिन सावधानी से आप दिए का जो डिस्टेंस है, ज्वलनशील चीज़ है, तो उससे कपड़े वगैरह जो है ना दूरी पर रखें और दिवाली मनाएं, क्योंकि दिवाली खुशियों का त्यौहार है, खुशियों में कहीं गम में ना बदल जाएं, इसका सावधान जो है ना हमारी आरजेएस फैमिली और हमारे फेसबुक फ्रेंड्स रखें, ये कहना चाहेंगे। लेकिन आपको पोल्यूशन में रहते हैं हम लोग, पोल्यूशन अब बढ़ता भी जा रहा है, जैसे कोरोना लॉकडाउन में कम हो गया था, तो आइए खूबसूरत गीत से आपको रूबरू कराते हैं, ये खूबसूरत गीत आपको यादगार हो जाएगी, बहुत ही अच्छा इस गायक ने प्रस्तुत किया है। इस तरह के पोल्यूशन जो है एक तरह से जानलेवा है और इस तरफ ध्यान जो है वो देने की ज़रूरत है, न केवल नागरिकों को बल्कि सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जो घोषणा है आपको शायद पता भी होगी, तो वो घोषणा एक बार फिर से देख लीजिए। आरजे सुदय मन्ना स्पेशल फेसबुक लाइव जो है फ्राइडे 20th नवंबर फ्राइडे को आपको प्रस्तुत किया जाएगा। 100वां
फेसबुक लाइव के उपलक्ष में 8 बजे से सायं 9 बजे तक। तो ये बहुत ही विशेष होगा, 5वीं वर्षगांठ सकारात्मक भारत आंदोलन श्रृंखला के अंतर्गत होगा। और आपको 18 नवंबर को ये पीडीएफ जो है वो भेज दी जाएगी, जो आरजेएस की नवंबर का सोविनियर है, उस सोविनियर को आपको भेज दिया जाएगा, ताकि आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। और इसके साथ साथ आपको कई तरह की जानकारी है, लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं। जो लोग कल नहीं जुड़े थे, धनवंतरी धनतेरस कल भी मना रहे थे, आज भी लोग मना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप देख लीजिए। ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हैं, आरजेएस फैमिली के, पीएमसीएच के सेवानिवृत्त, और श्रीमती कौशल्या देवी आपकी धर्मपत्नी ने मिलकर डॉक्टर यूपी सिन्हा विभागाध्यक्ष सर्जरी पीएमसीएच पटना बिहार की स्मृति में आयुर्वेद के प्रणेता धनवंतरी जी के नाम का आरजेएस स्टार अवार्ड 2021 घोषित कर दिया है। तो इसलिए ये जानकारी आप तक जो लोग नहीं हैं तो उनको जानकारी अभी मिल जाए। गजानन माधव मुक्ति बोध जी, आप जानते हैं हम लोग 2 दिन की चर्चा करते हैं, आज 14 नवंबर की भी चर्चा करेंगे। ये 13 नवंबर समर्पित है श्रद्धांजलि देने के लिए गजानन माधव मुक्ति बोध के लिए, जिनका की जयंती है। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु माना जाता है। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे और मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनैतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। मृत्यु से पहले श्रीकांत वर्मा ने उनकी केवल एक साहित्य की डायरी प्रकाशित की थी, जिसका दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद प्रकाशित हुए। ज्ञानपीठ ने ही चांद का मुंह टेढ़ा है प्रकाशित किया था। इसी वर्ष नवंबर 1964 में नागपुर के विश्व भारती प्रकाशन ने मुक्तिबोध द्वारा 1963 में ही तैयार कर दिए गए निबंधों के संकलन नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध को प्रकाशित किया था। परवर्ती वर्षों में भारतीय ज्ञानपीठ से मुक्तिबोध के अन्य संकलन काठ का सपना और विपात्र लघु उपन्यास प्रकाशित हुए। पहले कविता संकलन के 15 वर्ष बाद 1980 में उनकी कविताओं का दूसरा संकलन भूरी भूर खाक धूल प्रकाशित हुआ और 1985 में राजकमल से पेपर बैक में 6 खंडों में मुक्तिबोध रचनावली प्रकाशित हुई। वो हिंदी के इतर के लेखकों की सबसे तेजी से बिकने वाली रचनावली मानी जाती है और कविता के साथ साथ कविता विषयक चिंतन और आलोचना पद्धति को विकसित और समृद्ध करने में भी गजानन माधव मुक्ति बोध का योगदान अन्यतम है। और उनके चिंतन परक ग्रंथ हैं एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत का इतिहास और संस्कृति इतिहास लिखी गई उनकी पुस्तक है, काठ का सपना तथा सतह से उठता हुआ आदमी उनके कहानी संग्रह है तथा विपात्रा उपन्यास है। उन्होंने वसुधा, नया खून आदि पत्रों में संपादन सहयोग भी किया है। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन वो क्या लिखते थे एक इस कविता को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा। मैं तुम लोगों से दूर हूं, मैं तुम लोगों से इतना दूर हूं, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। तो ये थे तार सप्तक के पहले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। और परिवार के साथ बैठे हुए तस्वीर भी बहुत, अपनी पत्नी के साथ मुक्तिबोध की ये तस्वीर भी कुछ बयां कर रही है। 13 नवंबर गजानन माधव मुक्तिबोध की जयंती पर सभी हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस तरह की रचना जो है आप दे कर गए, ये हम लोगों को एक प्रेरणा देती है कि जो आपके लिए विष है वो हमारे लिए अन्न है। कितने क्रांतिकारी रहे होंगे, समाज से कितना संघर्ष करके अपनी रचनाओं को इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो अपने आप में ये एक प्रेरणादायक है कि समाज से संघर्ष चलता रहता है। जब भी आप कुछ नया करेंगे आपको समाज से संघर्ष चलता है, लोग उपहास भी उड़ाते हैं और नकारात्मक दृष्टिकोण भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन चलते रहिए। चरैवेति। पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था, तो आइए उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। प्रसिद्ध शिक्षा छात्री, समाज सेवक, न्यायाधीश, विधि विशारद तथा संविधान शास्त्र मुकुंद रामाराव जयकर का जन्म 13 नवंबर 1873 को हुआ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व ऑल
इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रियरंजन दास मुंशी का जन्म 13 नवंबर को हुआ था। एक कविता से आपको रूबरू कराते हैं। ये पंकज सरकार हैं और उनकी ये कविता है धनतेरस पर। तो पंकज सरकार जी का, लो आ गया है धनतेरस, कुछ धन हम भी समेट लें, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से आओ हम समेट लें, मिले अगर जो धागा सुई खरीद ना ले, खरीद ला मेरे लिए, मिले अगर जो धागा सुई खरीद ला मेरे लिए, फटे पड़े जो रिश्ते मेरे दुरुस्त कर समेट लें, मिट्टी को सोना समझ कर लाते हैं हम आज फिर, अपने जो सोने हैं उनको क्यों ना फिर समेट लें, दोस्त जो छूटे थे पीछे लेकर उनको साथ में, अपनों के संग दीप जलाकर रोशनी समेट लें, लोभ ईर्ष्या स्वार्थ सारे मिलकर हम बार करें, प्यार का हम इत्र बनाकर खुशबू को समेट लें, मुख से निंदा हम करें ना कर ना मन में आए कोई बात, मंजरी से चुनकर लाए मकरंद को समेट लें, लेकर आशीष बड़ों का छोटों को हम करें प्यार, स्नेह की मिठास देकर अपनों को समेट लें। धन्यवाद पंकज परासर जी, आपकी कविता जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत की गई। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। कविता कहानी यही है सकारात्मकता, क्योंकि सकारात्मक पत्रकारिता जो है वो आपको चिंता में नहीं डालती है। नकारात्मक पत्रकारिता कभी भी, बहुत से लोग जो है ब्लैकमेलिंग की करते हैं पत्रकारिता, और वहाँ पर जो है वो फंदे कभी कानून के लंबे हाथ होते हैं और वो आपके आपके पास पहुँच जाएंगे। और बहुत सारे पत्रकार निर्दोष होते हुए भी कई बार जो है सत्ता और प्रशासन के खिलाफ लिखने पर कानूनी पचड़े में पड़ जाते हैं। तो अब समय आ गया है कि सरकार की निगाह जो है वो सोशल मीडिया पर भी हो गई है, और ऑनलाइन पोर्टल पे जो न्यूज़ हैं उसको जो है अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अब नियमन का अधिसूचना जारी कर दी है। ये ऑर्डर आप तक कैबिनेट सेक्रेटरिएट से ये ऑर्डर रिलीज हो चुका है, और क्या है ये थोड़ा सा उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। YouTube पर बैठे पत्रकार, ऑनलाइन क्लासेस देने वाले मेंटर्स, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, फेसबुक चलाने वाले कंटेंट प्रोवाइडर पर गिरी तलवार। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है, और सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज या कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठा दिया है। अदालत सालों से इस बात की वकालत करती आई है कि डिजिटल मीडिया के नियमन की जरूरत है, रेगुलेशन की जरूरत है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में कहा था कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी हो गया है और सरकार को इस मामले को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाना चाहिए। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी नियमन होने चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि मीडिया में हेट स्पीच को देखते हुए गाइडलाइन जारी करने के लिए पहले एक समिति की नियुक्ति होनी बहुत जरूरी है। खुले तौर पर हेट स्पीच कंटेंट सहित कई ऐसे कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आजकल तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसको देखते हुए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियमन की मांग वाली याचिका को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे इस नोटिस में कहा गया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के चलते आर्टिस्ट सेंसर बोर्ड के निर्देश एवं सर्टिफिकेशन के बिना अपने कंटेंट पब्लिश करते हैं जो समाज के लिए हानिकारक है, ऐसे ही इनके लिए भी एक नियमन होना चाहिए। अब देखिए, सरकार ने सकारात्मक पत्रकारिता को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। तथ्यपरक पत्रकारिता कीजिए, सत्य की पत्रकारिता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेट स्पीच जो है वो अब नियमन के अंदर आ गया है। इसलिए सभी जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं वो लोग, और ये निखिलेश मिश्रा जी जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं उन्होंने ये भेजा है। खुले तौर पर हेट स्पीच के बारे में आपको बता दिया गया। अब आइए वहीं दूसरी तरफ, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को सुविधा देते हुए सरकार ने कहा था कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार फोटोग्राफर को PIB मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार किया जाएगा, यानी कि संख्या बढ़ाई जाएगी। ये बहुत ही अच्छी खबर है। सरकार ने यह भी कहा कि कल डिजिटल मीडिया को अपने ही को तो आगे बढ़ाते सरकार से संवाद के लिए नियमन संस्था का गठन करना चाहिए। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज कंटेंट देने वाले सभी माध्यमों को मंत्रालयों के अधीन लाने का कदम उठाया है। लगातार फैल रही गलत जानकारियां, फेक न्यूज, कोई नियम
ना होने के कारण वायरल हो रही हानिकारक कंटेंट रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं और प्रश्न विचारणीय है कि मंत्रालय के अधीन होकर अब क्या YouTube पर आप आलोचनात्मक कंटेंट दिखा सकेंगे? क्या अब किसी भी मुद्दे पर आप सरकार की नीतियों की खामियां साझा कर सकेंगे? क्या अब ऑनलाइन क्लास देने वाले YouTube चैनल्स कंटेंट अपने मन मुताबिक रख सकेंगे? क्या Facebook पर शासन सत्ता में कमियों की आलोचना कर सकेंगे? ये पहले भी हुआ था, अंग्रेजों के समय भी ऐसा हुआ था, जब अखबार निकला करते थे तो इस तरह की सरकार विरोधी चीज़ें उस समय आती थी, आंदोलनकारी वगैरह जो हैं वो पत्रकारिता में इस तरह की चीज़ें लिखते थे तो केस होते थे, जेल भी जाते थे लोग, लेकिन बाद में उसको एक रेगुलराइज किया गया। पहले अखबार ऐसे ही निकला करते थे लेकिन बाद में रेगुलराइज किया गया और रेगुलराइज करने के बाद फिर नियम के आधार पर सभी को चलना तय कर दिया गया। तो अब ये देखना है कि ये नई चीज़ है और कहाँ तक सरकार रेगुलेट करती है और उसके क्या नियम होंगे, कितनी छूट देंगे, क्योंकि सत्य ऐसा नहीं लगता कि सत्य आपके पास तथ्य है और वो समाचार आप देते हैं तो सरकार उस पर एक्शन लेगी, ऐसा तो मेरे ख्याल से कोर्ट है उसके देखने के लिए, कोर्ट ने ही ये काम कराया है, क्योंकि जो स्वच्छंदता थी पत्रकारिता में और जो धंधा आ गया था पत्रकारिता में उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास दिख रहा है सरकार का, क्योंकि आज नहीं तो कल ये नियम तो आने ही थे, इसकी प्रतीक्षा हो रही थी। ऐसा नहीं है कि स्वच्छंदता से कोई भी बात किसी के बारे में भी लिखा जाए, सरकार ही नहीं बल्कि आम किसी से दुश्मनी निकालने के लिए भी कोई भी चीज चला दीजिए, कोई कानून नहीं था। और अब कानून के दायरे में अगर आ रहा है तो धीरे धीरे वो एस्टेब्लिश भी होगा, अंग्रेजों के समय भी ऐसा ही हुआ था। तो धीरे धीरे हर चीज जब इवोल्यूशन होता है उसके बाद कानून आते हैं, तो हम लोगों को इसको स्वीकार भी करना चाहिए, बशर्ते कि अभी से शंका अगर हम लोग करने लगते हैं तो फिर हम दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, क्योंकि कोई नई चीज आई है तो जैसे सोशल मीडिया आया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो कहा गया कि अखबार खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अखबार भी चल ही रहे हैं और सोशल मीडिया भी चल ही रहा है। कंप्यूटर आया तो हुआ कि किताब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, आज किताब भी है कंप्यूटर भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी और उन्हीं के बीच में हम लोगों को अपने रास्ते तलाशने हैं, अपने दिशा को तलाशना है कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ें और किस तरह से देश के लिए काम करें। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र हित में अगर आप कहते हैं कोई बात तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ होगा, लेकिन आपके पास उसका कहने का तथ्य होना चाहिए कहीं ना कहीं। इसीलिए विजुअल मीडिया को सरकार ने अलाउ कर दिया था समाचार प्रसारित करने के लिए, लेकिन रेडियो चैनल्स को नहीं दिया, जो प्राइवेट रेडियो चैनल्स हैं उन लोगों को समाचार का, आप प्रसार भारती के कंटेंट को लेकर समाचार दे सकते हैं, लेकिन नियमित जिस तरह से समाचार होते हैं वो ऑडियो में नहीं अलाउ किया गया, अभी तक अलाउ नहीं है। लेकिन वीडियो चूंकि एक साक्ष्य होता है, आप वीडियो के आधार पर वो समाचार दे रहे हैं, तब जाके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू से ही जो है इसका लाभ उसने उठाया। तो अगर वो स्वच्छंदता करते हैं, धंधेबाजी करते हैं पत्रकारिता में, तो फिर सरकार को तो आगे आना ही पड़ेगा। इसलिए इस कदम को अभी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाए, सरकार कोई भी होती ये चीजें आनी ही थी, आएगी ही, चीज आएगी फिर वो रिफाइंड होगी, फिर वो उसमें जो कमियां होंगी वो दूर होंगी। तो ये देखने वाली बात है कि सरकार किस तरह के समाचार को पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करती है। तो फिर कोर्ट है, उसके बाद कोर्ट ने ही अगर कराया है तो कोर्ट उसको देखेगा और धीरे धीरे ये चीज़ें इस्टेब्लिश होनी ही थी। इसलिए हम लोगों को खुले मन से, खुले दिल से और कहीं ना कहीं सकारात्मक पत्रकारिता को सरकार ने समर्थन दिया है। इससे क्या है कि तथ्यपरक पत्रकारिता होगी, सत्य आधारित पत्रकारिता होगी और किसी का साहस नहीं होगा कि किसी के खिलाफ जो है वो कुछ भी लिख दे, लोग कुछ भी लिख देते थे। इसलिए हम लोगों को जरूरत हुई सकारात्मक पत्रकारिता का आंदोलन चलाने की, क्योंकि ये भारत है, भारत हम सभी का है। इसलिए हम लोग ये बात पर चर्चा करते हैं कि सरकार के भरोसे, सत्य प्रशासन के भरोसे इस देश को नहीं छोड़ा जा सकता है, ये देश हम लोगों का है, भारत की जनता है, सरकार तो चुनी जाती है, 5 साल के लिए चुनी जाती है, ये देश जनता का है, प्रजातंत्र है यहां। इतनी हिम्मत हम लोगों को रखनी पड़ेगी। और अब आइए कुछ एक प्रेरणादायक, कि भारत में जो कहा जाता है कि नीचे से आप ऊपर आने में बहुत दिक्कत होगी, अब कॉकस ऐसा आ गया है कि आप ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो पहले भी लोग आते रहे हैं, कल भी आएंगे, जैसे भी आएंगे लेकिन वो आएंगे, टैलेंट
छुपता नहीं है, वो आगे आएगा। मिथुन चक्रवर्ती से मिलवाते हैं आपको, और मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बारे में क्या कहा और कितने संघर्ष करके उस जमाने में भी, आज हम अगर कोई नीति आती है तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना तो होती है, उससे समालोचना, समालोचना के बाद कोई नई चीज निकलती है, चाहे सरकार की तरफ से नीति आए, राज्य सरकार की तरफ से नीति आए, लेकिन उसकी समालोचना तो होनी चाहिए। लेकिन परिस्थितियां कल भी वैसी ही थीं, आज भी वैसी ही हैं, संघर्ष तो हर परिस्थिति में करना पड़ता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आप देखिए मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा है, बहुत ही अपने जमाने की बात को उघेड़ कर रख दिया है, कितना संघर्ष किया मिथुन चक्रवर्ती ने, तो क्या उस समय जमाना आपको कोई रोड मैप बनाकर तो नहीं देगा ना। मिठुन बने हैं तो संघर्ष किया उसने, इसलिए ये शिक्षाप्रद चीजें, सकारात्मक चीजें देश को दिशा देने का काम करती हैं, और इन चीजों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी को है, जितने भी हैं हम लोग जितने भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, ये इतिहास लिखा जा रहा है। इस इतिहास में जितने लोग शामिल हैं, निश्चित रूप से वो लोग सकारात्मक भारत आंदोलन के भागीदार हैं, वो इसका भी एक इतिहास कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लिख ही रहा है ना, और आरजेएस तो अपना इतिहास प्रस्तुत करेगा ही ना देश के सामने। तो आइए मिथुन चक्रवर्ती से आपको मिलवाते हैं, सुनिए और समझिए और कमेंट कीजिए। आया हूँ लिटरी, क्योंकि बॉम्बे शहर में बहुत दिन ऐसे गए कि मैं फाइव गार्डन में सो गया, कभी कभी किसी के हॉस्टल के बाहर सो गया। स्ट्रगलिंग तो सभी करते हैं, लेकिन माई स्ट्रगलिंग हैज बीन सो मच के मतलब आपको बताऊं कि मैं इवन बाथरूम, मुझे मेरा एक दोस्त है विकम मंगेरा, उन्होंने मुझे माटुंगा जिमखाना में मेंबरशिप इसलिए दिलवाई थी कि ताकि मैं बाथरूम कर पाऊं, कि सुबह उठकर मैंने बाथरूम नहाना धोना दांत साफ करना, उसके बाद फिर रास्ते में जाने के बाद ये नहीं पता था कि मुझे नेक्स्ट खाना कहाँ मिलेगा, वो भी तो कोई गारंटी नहीं है, प्लस आज सोऊंगा कहाँ। कभी ऐसा टाइम आया था कि लगा था कि अब नहीं कर पाऊंगा, कभी ऐसा लगा कि शायद मुझे सुसाइड ही करना पड़ जाए, बिकॉज आई देयर लॉट ऑफ रीजन दैट आई कुड नॉट गो बैक टू कलकत्ता बिकॉज ऑफ माय पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड आई कुड नॉट डू समथिंग इन, बट मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज कभी गलती से भी ये सोच ध्यान में भी मत लाइएगा, क्योंकि दिस इज नॉट राइट टू एंड योर लाइफ विदाउट फाइटिंग, बट आई थॉट के आई हैव इन दैट इन मी, क्योंकि हारना बहुत कम सिखा है, बिकॉज वेदर इट इज आई एम प्लेइंग फुटबॉल और क्रिकेट और एनीथिंग, आई वुड नॉट टेक डिफीट, जस्ट ओके हार गया तो हार गया, आई विल ट्राई टू कम बैक अगेन टू फाइट। अब तो फिल्म इंस्टीट्यूट गए, फिल्म से पढ़ के आया, बहुत अच्छा रिजल्ट किया, लेकिन इसीलिए इसी में फर्स्ट फिल्म आई हैव अ टेरिफिक फिजिक करेक्ट और आई हैड नथिंग ऑन टॉप, बट डेफिनेटली आई हैड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ माय कॉम्प्लेक्शन के, तो लेकिन मैं सोचा था मुझे डांस, आई कैन डांस वेल, आई कैन फाइट वेल, मार्शल आर्ट कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा कुछ करूं कि लोगों का ध्यान मेरे कॉम्प्लेक्शन पे ना जाए, एंड एग्जैक्टली आई डिड दैट, आई डांस सो वेल, सो मैं वो करना चाहता ताकि मेरे कॉम्प्लेक्शन पे कोई ध्यान ना दे, एंड आई समाउ डिड सम, बट ऐसा नसीब हुआ कि मिनाल सेन जो ही गिव मी द ब्रेक, बट ब्रेक ऑफ ए लीडिंग मैन बट एज अ ट्राइबल हीरो बिकॉज आई लुक द बेस्ट ट्राइबल, बट दैट फिल्म अचानक भारत का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड मिल गया, एग्जैक्टली, एंड उसके बट अगेन दैट कॉम्प्लेक्स आई हैड, बट देन केम सुरक्षा, then came dancing, then came Grandmaster G9, and people started liking my dancing style, my action. I was tall, I was good build, but dhire dhire with samay ke sath sab change hone laga, then I became the sexy dusky Bengali babu, so dhire dhire film aane lagi, and Suraksha became a very big hit, and again in film information I still remember their star is born. And then suffer chal pada. No godfather, nothing. जहां तो ये संघर्ष की कहानी जो है मिथुन चक्रवर्ती ने, उस जमाने में भी संघर्ष था, आज भी संघर्ष है, संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। त्रेता युग में भी संघर्ष था, द्वापर में भी संघर्ष था, संघर्ष के ऊपर महाकाव्य लिखे गए हैं, लेकिन संघर्ष आम जनता के बीच भी चलता रहा है। रोजी रोटी का संघर्ष, नेम फेम का संघर्ष, आर्थिक उपार्जन का संघर्ष, ये चलता रहेगा। लेकिन उसमें इन्होंने कहा
सुसाइड का भी ध्यान आया था, लेकिन फाइट करना है, सुसाइड नहीं बल्कि फाइट करना है उन चीज़ों से। ये अच्छी बात नहीं है सुसाइड करना, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो सुसाइड की ओर ले जाता है। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है। ये सकारात्मक शब्द जो है अगर नई पीढ़ी तक, भारतीय परिवारों तक पहुँच जाए, घर घर तक पहुँच जाए, ये घर घर की चीज़ है, इसीलिए इसका आंदोलन नाम दिया गया। ये आंदोलन है, घर घर का, भारतीय परिवारों का आंदोलन है ये। भारतीय परिवार इसको जितना अपने आप को समझेंगे, अपने और अपनों के लिए समझेंगे, उतना ज़्यादा ये प्रभाव दे सकता है। और एक बार फिर आपको हम आरजीएस दिल्ली सकारात्मक भारत भवन और जिलेवार संपर्क केंद्र की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे। क्योंकि हम लोगों के बाहर फैमिली में रहने वाले अगर दिल्ली में आते हैं तो उनके लिए सकारात्मक भवन की कल्पना की गई है। आरजीएस दिल्ली सकारात्मक भारत भवन और जिलेवार संपर्क केंद्र बनाने पर यह वेबिनार किया गया था, जिसमें कि सहमति मिल गई है और जमीन की भी बात की गई है, जिन्होंने दान किया है डॉक्टर नरेंद्र ने। और इस तरह की ये जो खबर है, ये सरस भावना की खबर जो अभी हमने आपको दिखाई, ये हमारे पॉजिटिव मीडिया है। पूर्वजों और महापुरुषों के सम्मान में बनेगा नई दिल्ली आरजीएस सकारात्मक भारत भवन। आरजीएस फैमिली की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। और ये हरियाणा ज्योति जो अखबार है, उन्होंने भी ये खबर छापी है। हरियाणा ज्योति, पूर्वजों और महापुरुषों के सम्मान में बनेगा आरजीएस सकारात्मक भारत भवन। आरजीएस फैमिली और भी तमाम चीज़ें वहाँ पे इसमें दी हुई हैं। तो ये है कि आपको 10 जिलेवार जो खोला जा रहा है, तो जिलेवार संपर्क सूचना केंद्र जो है वो आपको 10 नवंबर को अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे जिलेवार जो है वो संपर्क केंद्र खुलेंगे, ताकि सामाजिक सरोकार से जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी के काम आ सकें। तो इसी काम में जो है वो हम लोग लगेंगे और निश्चित रूप से ये सफल करेंगे आप लोग, क्योंकि सामाजिक सरोकार से जुड़ना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और 5 दिवसीय दीपोत्सव का अंतिम दिन भाई दूज का त्यौहार होता है, तो सभी भाई बहनों को, हम लोग तो भाई बहन के रिश्ते से ही बात करते हैं, बैठकों में भी भाई बहन के ही रिश्ते से बात करते हैं, जो विवेकानंद जी ने पूरे अमेरिका में जाकर भाई बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और तालियां बजी थी। ये भाई बहन का रिश्ता जो है ये बहुत पवित्र होता है। आकाशवाणी में आप सुन लीजिए, वहाँ पर भी भाई बहन के रिश्ते से ही ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग होती है, आप सुनते हैं, उसमें भाई बहन के रिश्ते से ही बात की जाती है। ये बहुत अच्छा रिश्ता है, इसको आरजीएस ने आचरण में लेकर आया है। और भाई दूज में बहनें भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं, तो आप लोग भाई दूज की भी बधाई, और तमाम 5 दिवसीय पर्व है उन सबकी आप लोगों को समृद्धि, सुख समृद्धि और स्वस्थ भी रहें सभी लोग। सकारात्मक सोच अपने अपने घरों में फैलाते रहिए, बात करते रहिए, अपने रिश्तेदारों के साथ भी सकारात्मक शब्द का उपयोग करते रहिए, ये आंदोलन का ही अंग है। और अगर रिश्तेदार से बातचीत करके उसका वीडियो आप भेजेंगे 2 मिनट 2.5 मिनट का, तो यहाँ पर आप उसको देखेंगे भी। 14 नवंबर को शुरू हुई थी BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC का दुनिया में सार्वजनिक प्रसारण की उपस्थिति है। ये एक सार्वजनिक निगम निकाय है जो सरकार से स्वतंत्र है। भारत में बहुत ज़्यादा सुना जाता था एक ज़माना में, जब टेलीविज़न नहीं था तो BBC के समाचार को सुनकर विश्वस्त समाचार हुआ करता था। आज तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार को विश्वस्त माना जाता है, लेकिन BBC जो है वो उसका अपना अलग ही अंदाज हुआ करता था बोलने का। और हालांकि उसमें भारत के ही लोग काम करते थे, लेकिन उनके बोलने का, मार्क टली तो यहाँ के विशेष प्रभारी थे, संवाददाता थे, तो उन्होंने तो अपनी एक नया ही आयाम स्थापित किया। मार्क टली बहुत अच्छी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी है, मार्क टली साहब से मिलना भी हुआ है, तो हाँ मिथुन चक्रवर्ती जी से भी मिलना हुआ है। तो एक वो चीज़ें याद आ जाती हैं, जब आप किसी ऐसे लोगों के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको वो दिन याद आ जाते हैं। तो जब मैं मुंबई में गया था और फिल्म सिटी में, वहाँ पे शूटिंग के लिए बहुत बड़ा कैंपस है, वहाँ स्टूडियो बना दिए जाते हैं बिल्कुल जैसा कि मतलब लगेगा कि कहीं की शूटिंग है, लेकिन वहीं पे स्टूडियो का निर्माण करने की बहुत बड़े एरिया में फिल्म सिटी है। तो मैं अचानक घूमने के लिए गया था और मुझे एंट्री भी मिल गई थी, तो जहाँ मैं देख रहा था तो मिथुन एक तालाब था, वहाँ मिथुन चक्रवर्ती और मुनमुन सेन, इन दोनों की शूटिंग थी।
और शूटिंग देखकर बिल्कुल ही कोई मजा नहीं आया उस तरह की शूटिंग देखिए, जब उसी को फिल्म में देखा गया तो वो रिलेट करके जिस तरह से सीरीज चलती है तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब शूट हो रहा था कैमरे में तो वो कुछ भी नहीं था, वो मुनमुन सेन डूब रही थी, उसको बचाने के लिए मिठुन चक्रवर्ती उस तालाब में कूदे और बचा कर ले आए तो वो नाटकीय अंदाज था, तो उसमें कुछ मजा नहीं था। तो ये है फिल्में, फिल्में जो हैं वो बहुत मेहनत से एडिटिंग करके उसको श्रृंखलाबद्ध रूप से दिखाई जाती हैं, तो उसमें एक कहानी जब आती है तो आदमी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसी तरह से तथ्य परक समाचार प्रसारित करने से ब्रिटिश बीबीसी का जो है ना वो बहुत ही ये, क्योंकि सरकार से स्वतंत्र, और 14 नवंबर 1922 में शुरू हुई ब्रिटिश प्रसारण कंपनी द्वारा रेडियो प्रसारण के साथ, और टीवी ने 1936 में प्रसारण शुरू हुआ, 1955 में वाणिज्यिक टेलीविजन प्रसारण की स्थापना तक बीबीसी ने प्रसारण का एकाधिकार किया। बीबीसी का मुख्यालय लंदन में ब्रॉडकास्टिंग हाउस में है और यह दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रसारण संगठन है। कर्मचारियों की संख्या के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारण करता है। हालांकि गाज गिर गई उस पर भी हिंदी प्रसारण सेवा वगैरह को लेकर जो है वो कई जगह जो है इस तरह की बातें आई कि उन्होंने बंद कर दिया, लोगों को वहाँ भी बाहर आना पड़ा। 14 नवंबर 1977 प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का निधन हुआ था। स्वामी प्रभुपाद की पुण्यतिथि 14 नवंबर, और प्रसिद्ध बाल साहित्यकार एवं संपादक हरिकृष्ण देवसरे का पुण्यतिथि है 14 नवंबर 2013 में आपका निधन हुआ था। तो हरिकृष्ण देवसरे साहब की कहानियां आप पढ़ते होंगे और इनकी और भी चीज़ें हैं, आप निश्चित रूप से जानते होंगे। हरिकृष्ण देवर से बड़ा नाम है, घर घर तक पहुंच थी इस नाम की, इस काम की, संपादक के रूप में। और 14 नवंबर 2013 आपकी पुण्यतिथि, 9 मार्च 1938 जो है वो जयंती है। बाल साहित्यकार और संपादक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे की रचनाएं हैं खेल बच्चे का, आवो चंदा के देश चलें, मंगल ग्रह में राजू, उड़न तस्तरियाँ, स्वान यात्रा, लावेनी आदि, और वे बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका पराग के लगभग 10 वर्ष तक संपादक रहे। और पराग आप जानते हैं कि पूरे हिंदी प्रदेशों में काफ़ी लोकप्रिय पत्रिका हुआ करती थी, बच्चों की पत्रिका थी लेकिन बहुत ही संस्कारित पत्रकारिता थी। हमें भी उस जमाने में पढ़ने का अवसर मिला, पराग हम लोग खरीद कर पढ़ते थे और ये सर्वसुलभ थी, हर जगह ये चली जाती थी। तो उसके 10 वर्ष हरिकृष्ण देवसरे साहब जो हैं संपादक रहे। साहित्य अकादमी बाल साहित्य लाइफ टाइम पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बाल साहित्य सम्मान, कीर्ति सम्मान और हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान आपको प्रदान किया गया है। तो हरिकृष्ण देवसरे साहब को निश्चित रूप से आप लोग भी एक याद करने का समय है। और यहाँ पर एक जो जैन मत के अनुसार अगर बताना चाहें तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रभात वेला में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का महानिर्वाण हुआ था। वहीं शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्मावलंबी रविवार की सुबह भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण, मतलब ये इस अवसर पर क्या है कि जो दीपावली है इस अवसर पर जैन से भी संबंधित है, सिख धर्म से भी संबंधित है, और सम्राट अशोक ने भी इसी दिन अपने धर्म का बौद्ध धर्म में विलय कर दिया था। तो ये भी इससे संबंधित है जो हम लोग त्यौहार मना रहे हैं। सभी संप्रदायों को लेकर एक महान पर्व है, पंच दिवसीय जो है दीप पर्व है, ये बहुत ही महान है भारत के लिए और अलग अलग धर्मावलंबियों के लिए भी ये दिवस जो है खास हो जाता है, पावन हो जाता है। अब एक चीज़ है जो मैंने जानना चाहता हूँ कि ये खबर जो है ये समालोचना की तरफ जा रही है, आप इसको आलोचना भी कर सकते हैं, और ऐसा क्या हुआ है ये आज की खबर है। क्या है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन शर्मा ने हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ाने के फैसले की आलोचना की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि पूरे देश की एपेक्स बॉडी है, शीर्षस्थ संस्था है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और उसके अध्यक्ष कह रहे हैं, इसका मतलब सारे डॉक्टर समुदाय भारत के कह रहे हैं, कहते हैं कि सार्वजनिक मेडिकल कॉलेजों में फीस 50,000 रुपये से प्रतिवर्ष बढ़ाकर 10,00,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। अब ये चीज़ें जो हैं सुनने में भी बड़ी बुरी लग रही हैं,
लेकिन सरकार ने इस तरह का नियम लागू कर दिया है, अब इसकी आलोचना तो होगी ही। अब उसमें से क्या होता है क्या नहीं होता है ये हम आप लोगों पर छोड़ते हैं कि आखिर हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक मेडिकल कॉलेजों में फीस 50,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 10,00,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी है, और इसके साथ MBBS कोर्स में प्रवेश पाने वाले छात्र को 4 साल के कोर्स के लिए 40,00,000 रुपये का भुगतान करना होगा। तो विरोध तो होगा ही, अब इतने पैसे लोगों के पास है नहीं, क्या किसान का बेटा डॉक्टर बन पाएगा? आखिर इस तरह की व्यवस्था जो है वो जनता की चुनी हुई सरकारें क्यों करती हैं, ये आप लोगों पे निर्भर करता है कि इन चीजों पर, इन्हीं चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है। ये जन सरोकार के जो मुद्दे हैं आज फेसबुक लाइव में लिया गया है, इसीलिए लिया गया है कि इस तरह की चीजें आप लोग भी भेजिए ताकि यहां चर्चा हो और आप लोग भी इसको लेकर जो कर सकते हैं वो कीजिए, आवाज तो उठानी चाहिए कि ये नियम जो है वो कितना लोगों को रुलाएगा, बच्चा क्या लोन लेकर पढ़ेगा, सरकार ने लोन लेने के लिए क्या व्यवस्था है। राजन शर्मा कहते हैं अध्यादेश में यह स्पष्ट लिखा गया है कि यदि कोई छात्र हरियाणा सरकार की नौकरी में आता है तो सरकार एक लोन प्रदान करेगी, सरकार EMI का भुगतान करेगी, लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं है। इस अध्यादेश को लाने के लिए क्या आवश्यकता थी? हरियाणा सरकार की चिकित्सा सेवा चुनने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने 6 नवंबर को एक नीति बनाई जिसमें कहा गया था कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS डिग्री कोर्स के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 10,00,000 रुपये के लिए वार्षिक बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता है। उम्मीदवार लोन के लिए पूरी तरह से बॉन्ड के बिना राशि का भुगतान कर सकता है या राज्य सरकार उन्हें इस बॉन्ड राशि के लिए शिक्षा लोन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। यदि उम्मीदवार राज्य सरकार के साथ रोजगार प्राप्त करता है तो नीति के अनुसार सरकार लोन की वार्षिक किस्तें चुकाएगी। हरियाणा मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट के शुल्क में संशोधन किया गया है और छात्रों के लिए बॉन्ड पेश किए गए हैं जिसके लिए लोन की एक प्रणाली रखी गई है, लेकिन ये महंगी प्रणाली है। अब इसको लेकर हमारी RJS फैमिली क्या सोचती है, चर्चा इन चीजों की होनी चाहिए क्योंकि बच्चे डॉक्टर बने तो ये नियम उनके लिए कितना इफेक्टिव होगा या फिर इससे जो है कितनी दिक्कत हो सकती है। वहीं पे एक और चीज है, रविश कुमार जो पत्रकार NDTV के हैं उनके फेसबुक से ये चीजें आई हैं तो इस बारे में भी आपको बताते हैं। रविश कुमार NDTV के संवाददाता कहते हैं कि नौकरियों के मसले पर बदलाव आने लगा है। राजस्थान सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर भर्ती परीक्षा के परिणाम और नियुक्ति पत्र देने की सूचना ट्वीट की गई है। यह आज की ही पोस्ट है, यह सुखद बदलाव है और इसके लिए इन्होंने काफी पोस्ट भी लिखा था इस तरह के रोजगार को लेकर। इसलिए प्रयास करते रहिए, इस सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है। प्रयास करने के बारे में कहा है ना कि प्रयास करते रहिए, वे जान गए हैं कि इस मामले में अच्छा काम करने से जनता में नाम कमाया जा सकता है, इस बात के लिए दोनों सरकारों को इन्होंने बधाई दी है। ये समस्या इतनी गहरी है कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्हें नियुक्ति पत्र दे रहे हैं उनकी परीक्षा का विज्ञापन अखिलेश सरकार में निकला था 2013 में। 7 साल लगे हैं इस परीक्षा को अंजाम तक पहुंचने में। उम्मीद है योगी आदित्यनाथ नई भर्तियों भी निकालेंगे और अशोक गहलोत भी राजस्थान के मुख्यमंत्री। उनका ये ट्वीट जो है ना, आप देखिए कि नौकरियों के लिए अब मुख्यमंत्री जो है वो ट्वीट भी करने लगे हैं, ये सकारात्मक परिणाम है। तो इसलिए आवाज उठाना, अब 10,00,000 और 40,00,000 लगेंगे और इन चीज़ों को तवज्जो देना, हमें इन चीज़ों पर बातचीत करना, सरकार तक इसको पहुंचाना, हम लोगों को ये ज़रूरी है। इन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और एक नारा पहुंचाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है वो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नारा कहाँ से आया था, किसने लिखा था। सारे क्रांतिकारी इस नारे का उपयोग करते थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था, ये जो जगदीश चावला पत्रकार हैं उनके तरफ से ये पोस्ट आया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था, तो ये एक भी जानकारी अगर आपके हिस्से में पड़ गई, हसरत मोहानी साहब का आप नाम जान लिए तो आपके लिए निश्चित रूप से ये
कामयाबी का रास्ता देगा। जब आप बैठे हुए हैं कहीं पे, तो सही जानकारी देकर आप एक सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। और हम प्रेरित करना चाहेंगे कि हमारे देश में महापुरुषों का देश है ये, बहुत सारे अलग अलग धर्मावलंबियों के महापुरुष हुए हैं, क्या उन महापुरुषों को याद करने का कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए? तो उसके लिए अब आपको शुरू किया जाएगा, ग्रुप में भी आप देखेंगे, फेसबुक पर भी देखेंगे कि हम लोग संक्षेप जानकारी जो है एक एक अवार्ड के बारे में, क्योंकि इतने तमाम अवार्ड घोषित हो गए हैं भेंटकर्ताओं के, तो हम लोग अब विशेष ध्यान देने जा रहे हैं। और इसे लेकर पीडीएफ स्मारिका भी निकाली जाएगी, जहाँ की एक ही जगह सारे अवार्ड आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग चर्चा भी करना चाहते हैं, विषय बस हर दिन जो है दो चार महापुरुषों के बारे में जिक्र कर दिया जाएगा, कि आप लोग जो है तैयारी करके आइए और उन महापुरुषों पर चर्चा कर दीजिए। घोषणा हो जाएगी ग्रुप में, आपको चला जाएगा। और उन महापुरुष के बारे में हम लोग, जरूरी नहीं है कि उनकी जयंती या पुण्यतिथि है उसी दिन चर्चा करें, लेकिन उन महापुरुषों को पूरे देश में नई पीढ़ी तक पहुंचाना, उनसे प्रेरणा लेना, क्योंकि बहुत ही गूढ़ रहस्य है ये। जैसे ही नई पीढ़ी महापुरुषों की तरफ होगी, वो सकारात्मक भारत आंदोलन सफल हो जाएगा। सकारात्मक भारत आंदोलन महापुरुषों के प्रति सकारात्मक होते ही सफल हो जाता है, क्योंकि नई पीढ़ी में फिर सकारात्मक सोच डेवलप हो जाएगी, अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रथम करने लगेगी, देश सर्वोपरि है। और प्रधानमंत्री जी ने भी विवेकानंद जी का स्टैचू कल अनावरण किया था, और विवेकानंद जी के बारे में भी ये कहा था, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र प्रथम कहा था कि देश सर्वोपरि है। देश सर्वोपरि मानकर अगर हमारी युवा पीढ़ी अगर काम करना सोचना शुरू कर देती है, यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। और दीप माथुर जी जो पूर्व निदेशक रहे हैं दिल्ली नगर निगम के और आरजेएस के ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शोभा दीप माथुर जी की स्मृति में स्वामी विवेकानंद का के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। इसके साथ साथ और भी हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कल जाकर आप लोगों को इसी महापुरुषों के बारे में हम लोग घोषणा कर देंगे कि आज इन महापुरुषों के बारे में चर्चा की जाएगी, अगले दिन दूसरे महापुरुषों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये चर्चा करने से हम लोगों की जानकारी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि हम लोग उन चीज़ों को एस्टैब्लिश करेंगे जो समाज में लोगों की चर्चा का विषय बनना चाहिए। जैसे राजचंद्र जी के बारे में कल काफ़ी चर्चा की गई थी, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, गांधी जी बने हैं उसमें, रायचंद्र कहते थे गांधी जी उनको, और दो वर्ष तक रायचंद जी के साथ गांधी जी रहे थे। ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए। नारायण गुरु जी जो साउथ के हैं उनसे मिलने गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ भी गांधी जी गए थे मिलने के लिए, वो भी आध्यात्मिक गुरु हैं गांधी जी के। राजनीतिक गुरु जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो ये चीज़ें, क्योंकि गांधी जी के इतने गुरु हैं, तो फिर हमारी पीढ़ी जो है वो गुरुओं को सम्मान देना, वो वहाँ से सीखेगी कि गांधी जी जब अपने गुरुओं का और सत्य के प्रयोग, जो एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें जिक्र किया है अपने गुरुओं के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कई चैप्टर हैं। तो ये जानकारी अगर हम लोग दे देंगे कि गांधी जी के लिखे हुए में ये चीज़ें हैं, तो जो लोग हैं जो वो इस किताब को ढूंढ कर नेट पर जाकर और वो पढ़ना चाहेंगे, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। तो इसीलिए जानकारी प्रोवाइड करना, क्लू दे देना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब समय की सीमा है। और बिंदा मन्ना जी जय हिंद, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जय हिंद, धनतेरस मंगलमय हो लिख रहे हैं, धनतेरस एवं छोटी दीपावली के शुभ अवसर पर आपको व आपके परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, राकेश कुमार तिवारी जी अभी भी देख रहे हैं, राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं अभी, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित रूप से अपनी चीज़ों को भेजिए, आप पत्रकार हैं, निश्चित रूप से आप पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और पॉजिटिव सर्टिफिकेट भी आरजेएस की तरफ से आपको प्रदान किया गया है, लेकिन कुछ विचार लेकर आइए अपने एरिया का। कल हम लोग लगातार दिखाते हैं और बताते हैं, भानु प्रताप जी जो आरजेएस के स्टार हैं, और उन्होंने अपने बेरत गांव में जो रतनाड़ पंचायत के पैक्स हैं
उन्होंने एक सोलर लाइट लगवाया था और भी कई लाइटें लगवाई थी, लेकिन उन्होंने वीडियो साझा किया था, तो आज यूट्यूब पर लगाया गया उनको उनका, और लगातार उनको सपोर्ट किया जाता है, समर्थन किया जाता है। तो जब तक हम लोगों के पास आपकी कोई चीज़ नहीं आएगी तब तक वो यहाँ पे प्रदर्शित कैसे करेंगे, इसको विचार करना पड़ेगा। रोज़ाना आपको 10 सेंटेंसेस भेजने की ज़रूरत है। जब तक ये फेसबुक लाइव चल रहा है, ये आपका मंच है, आपके लिए है, आपका है, आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है। और तमाम लोगों को आप प्रेरित करते रहिए। विजय लक्ष्मी जी जय हिंद। और आपने तो लिखा है, संस्कृत का श्लोक लिखा है और शिक्षिका है, अच्छे कर्मों से लक्ष्मी आती है, यथा योग्य विनियोग से वो बढ़ती है, कर्म कुशलता से उसकी जड़ें जमती हैं और मित्र व्ययता से स्थिर रहती हैं। हम हिंद देश के वासी हैं, हिंदी हमारी माता है। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी के अवतरण दिवस धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आप देख भी रही हैं विजय लक्ष्मी जी, यहाँ पर जो एक जनरल चीज़ों से अलग लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके जो विचार हैं वो दिन भर के या हफ्ते भर के कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कहना चाहते हैं देशवासियों से, क्योंकि ये राष्ट्रीय मंच है, तो इस मंच से आप उन विचारों को व्यक्त कीजिए जो कि इस भारत को उन्नति करने में नई पीढ़ी के लिए कैसे आप क्या सोचते हैं, उस सोच को यहाँ पे प्रकट कीजिए। और भवनेश जैन जी देख रहे हैं, धन्यवाद भवनेश जैन जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, डोगरा साहब भी देख रहे हैं, डोगरा साहब भी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हिमाचल निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर, आप डोगरा जी नाम लिख सकते हैं, और मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, परमार सिंह जी के नाम पे, यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नाम पे अवार्ड जो है अपने दादाजी जो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गजय सिंह जी हैं उनके नाम पे आपने अवार्ड भेंट किया है। हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं, पटाखे मुक्त एवं प्रदूषण पर उपयोगी जानकारी, धन्यवाद डोगरा जी। मुकेश भटनागर जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, हम लोग भेंटकर्ताओं को प्रमोट करने जा रहे हैं और पूरा पेज जो है उनको पूरे पेज का विज्ञापन दे रहे हैं, आरजेएस अपनी तरफ से दे रहा है कि आप अपने बारे में, अपने जैसे मुकेश भटनागर जी ने अपने माता पिता की स्मृति में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे, तो उनके नाम पे आरजेएस अवार्ड घोषित किया है अपने माता पिता की स्मृति में। तो मुकेश भटनागर जी धन्यवाद आपका। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सैनिटाइजर द्रव्य में अल्कोहल की मात्रा अधिक है जो ज्वलनशील है, पूजा के समय अथवा दीपक जलाते हुए इसका इस्तेमाल न करें। जी हाँ, हम लोग पहले भी डॉक्टर के अग्रवाल की जो वो पोस्ट थी वो साझा किया था और आपने, अच्छा हुआ वो याद दिला दिया आपने, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज और कल के लिए, तो निश्चित रूप से आपने याद दिला दिया। ये रोज़ हमें दिखाना चाहिए कि अब बताना चाहिए, और आपने बहुत सही समय पर वो चीज़ें दिखाई हैं और इसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ हाथों में अगर लग गया और आपने दिया जलाया या गलती से कभी कहीं भी, क्योंकि देश भर के लोग जुड़ते हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, तो हाथ जलने का खतरा जो है, ये डॉक्टर के अग्रवाल की पोस्ट जो है ये साझा की गई थी, और देखिए कैसे उन्होंने लिखा है, सैनिटाइजर्स आर फ्लेमेबल, बी केयरफुल दिस दिवाली, डॉक्टर के अग्रवाल, पद्मश्री अवार्डी, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और CMAAO। सैनिटाइजर्स आर फ्लेमेबल, कीप देम अवे फ्रॉम फायर एंड डोंट सैनिटाइज योर हैंड्स बिफोर लाइटिंग दियाज एंड कैंडल्स। तो मुकेश भटनागर जी का बहुत अहम रोल रहा, उन्होंने ये याद दिला दी, और डॉक्टर के अग्रवाल जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और उनकी बेटी जो है आरजेएस की अवार्डी है नैना अग्रवाल जी, तो इस तरह से हम लोग जो है एक परिवार का निर्माण, भारतीय परिवार का निर्माण, तमाम राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप जुड़ना और विचार को प्रसारित करना उसकी वीडियोस भेजते हैं, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो उस आपसे आमंत्रित किया गया है कि आप अपने वीडियोस को यहाँ साझा कीजिए, ताकि यहाँ पर कार्यक्रम में रोचकता भी आए और आपकी बातों को कहने के लिए नहीं, तो तमाम आपने अखबार पढ़ लिया, टेलीविजन देख लिया, आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो कहां दिखाएंगे, आप अपने अपने नेटवर्क पे दिखाएंगे, लेकिन इस राष्ट्रीय नेटवर्क पर लाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। तमिलनाडु से शेख वहाब साहब, डॉक्टर शेख वहाब साहब जुड़े हुए हैं, जय हिंद।
जय हिंद सर, जय हिंद। अभी भी देख रहे हैं पारसार्थी थपलियाल जी का आज 5 दिवसीय दीप पर्व पे यूट्यूब पे लगाकर और यहाँ पे आपकी 5 मिनट की का सकारात्मक संदेश जो है दीपावली के अवसर पर यहाँ प्रसारित किया गया। पारसार्थी थपलियाल साहब बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं और हम लोगों को गौरव होना चाहिए पारसार्थी थपलियाल जी पे, क्योंकि थपलियाल डायरेक्टरी का निर्माण करना अपने आप में बहुत ही मेहनत का काम है और देश भर के लोगों को एक परिवार में लाना, तो ये मंच इसीलिए है कि ताकि हम लोग बता सकें कि आप कर क्या रहे हैं। सकारात्मक कार्यों और सकारात्मक विचारों का सम्मान जो है आरजेएस शुरू से द डे वन करता रहा है और इसीलिए पारसार्थी थपलियाल जी को नमन करने का मन होता है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रेडियो में प्रसारण कर्मी के रूप में भी आपने कई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया रेडियो के माध्यम से, तो वो भी हमारी हम लोगों की दृष्टि में है, इसलिए आप निश्चय। और वेबिनार में आप बहुत सहयोग करते हैं, लगातार कई वेबिनार में आप वक्ता रहे हैं, तो इस ये समाज सेवा का इतिहास जो है निश्चित रूप से लिखा जाएगा। और आरजेएस की जो किताब आ रही है उसमें पारसार्थी थपलियाल जी का आलेख जो है वो आ गया है और बाकी लोगों का आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और संजय गुप्ता जी शायद इन बातों को सुनकर जुड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे होंगे, मन ही मन सोच रहे होंगे कि ऐसा भारतीय परिवार का आरजेएस परिवार जो है जो सबका सम्मान करता है, इसमें कहीं डिफरेंसेस है ही नहीं, एक भारतीय परिवार की मानसिकता को लेकर चल रहे हैं हम लोग, तो इसलिए संजय गुप्ता जी भी जुड़ना चाहेंगे, नंबर वगैरह साझा करेंगे तो हम लोगों की पहुँच इन तक पहुँच पाएगी। और सभी मुकेश भटनागर जी लिखते हैं, सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ऑनलाइन कोचिंग सेंटर स्वयं को यूनिवर्सिटी शब्द लगाकर प्रसारित करते हैं, मेरे विचार से ये गुमराह करने का प्रयास है, कोई जानकार इस पर प्रकाश डाले, यूनिवर्सिटी शब्द कौन इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए सीधा साधा फॉर्मूला है, जो 20 यूनिवर्सिटीज एक तो फेक यूनिवर्सिटीज घोषित हैं और उनको आगाह किया गया है, कानूनी कार्रवाई भी की गई है और वो लिस्ट जो है नेट पर है, फेक यूनिवर्सिटी लिखते ही वो चीज़ सामने आ जाती है। और छोटे मोटे पैमाने पे कोई ऑनलाइन कोचिंग सेंटर यूनिवर्सिटी लिख दिया है तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल जो है विश्वविद्यालय वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय होता है। और यहाँ पर यह होता है कि पहला महिला यूनिवर्सिटी जो है वो धोंडो केशव कर्वे साहब ने शुरू किया था, ये भी जानकारी आप लोग रखिए, हम लोगों ने अभी अभी उनको श्रद्धांजलि दिया था। धोंडो केशव कर्वे पहला भारत में यूनिवर्सिटी खोलने वाले वो थे और प्रथम हिंदुस्तानी शिक्षिका आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले हैं, पहली बार वो हिंदुस्तानी शिक्षिका कही जाती हैं, भारत की पहली सावित्रीबाई फुले, और इनके नाम पे ज्योतिबा फुले जो हस्बैंड थे उनके नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान ऑलरेडी घोषित हो चुका है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि 4 महापुरुषों को एक साथ लेंगे और वो घोषणा कर दी जाएगी और उस पर हम लोग चर्चा शुरू कर देंगे कि ये महापुरुष कौन थे, क्या थे, क्योंकि आप लोग भी उन महापुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कमेंट बॉक्स में नई नई चीजें, जैसे कि मुकेश भटनागर साहब को नमन है, वंदन है, बहुत ही सक्रिय है और आपने जो विचार दिया है ये बहुत बड़ा विचार है, आपने एक सवाल उठा दिया राष्ट्रीय मंच पे कि यूनिवर्सिटी शब्द लगाकर प्रसारित करते हैं, क्या ये गुमराह नहीं कर रहे हैं, जरूरत क्या है करने की इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की, शब्दों के इस्तेमाल करने में निश्चित रूप से कोचिंग वालों को सावधान रहना चाहिए। और इस चीज पर हम लोग भी, आप लोग भी विचार दीजिए, आप लोग भी कल इस पर विचार कर सकते हैं। हम लोग कल 8:30 बजे फिर मिलेंगे, दीपावली मनाएंगे एक साथ, पूरे आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स जो है वो दीपावली मनाएंगे, अच्छी तरह से मनाएंगे, खूब खुशहाल, अलग ही आइटम होगा उसमें, सारी चीजें बिल्कुल आपको खुश करने वाली होंगी, श्रद्धा और विश्वास की होंगी, भारत की संस्कृति की होगी और भी तमाम। और पारसार्थी थपलियाल जी की जो जो सकारात्मक संदेश है 5 दिवसीय दीप पर्व पर, वो कल भी साझा की जाएगी, क्योंकि बहुत ही थपलियाल जी ने इसमें गूढ़ जानकारी दी है जो जानना चाहिए। और आप लोग अपने अपने बच्चों को या रिश्तेदारों को, 10 लोगों को अगर भेज देते हैं तो निश्चित रूप से ये चीज़ें उनके लिए फायदेमंद होंगी, हो सकता है कि आप देख लिए भूल जाते हैं, लेकिन उन लोगों को आगे बढ़ने में
यामीन मलिक साहब, यामीन मलिक साहब देखते तो हैं लेकिन आपके विचार नहीं आ पाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन हम लोग प्रेरित करते हैं कि आपके विचार भी, मुकेश भटनागर जी का जैसे विचार आया तो ये यही है विचार। दिन भर में बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर वो विचार नहीं आया तो फिर सकारात्मक क्रांति कैसे होगी? तो सकारात्मक विचारों से ही क्रांति होती है, तो वो विचार आना चाहिए। यामीन मलिक जी आप आते हैं फेसबुक लाइव में, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने जय हिंद बहाव साहब जी को कहा है, तो बहाव साहब जी अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप तक ये पहुंच जाएगा, नहीं तो ग्रुप में ये भेज दिया जाएगा और यूट्यूब में भी लगा दिया जाता है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि यूट्यूब आपका है, आपकी बातों का एक मंच है, क्या आप उनको तवज्जो देते हैं? क्योंकि नोटिफिकेशन आपके अपने और आपके रिश्तेदारों तक पहुंच जाएगा, जो कि सकारात्मक पत्रकारिता का पर्याय है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया सकारात्मकता का पर्याय बन गया है। वो चीजें आपके रिश्तेदारों तक क्या पहुंच पाएंगी? नहीं पहुंच पाएंगी। तो थोड़ी बहुत कोशिश हम सभी को मिलकर करनी पड़ती है। वहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं आपको कि जैसे ही ये यूट्यूब पे लगेगा वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप उसको सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, तो जिस चीज में पैसा भी नहीं लग रहा है, और आरजेएस कभी किसी से पैसे की तो मांग करता नहीं है, तो इसलिए ये भी काम अगर हम नहीं करते हैं तो फिर सकारात्मक भारत का जो कल्पना है वो तो कोरी रह जाएगी। हम कोशिश कर सकते हैं, हम लोग लगातार इसको आंदोलन को चलाते रहे। 5 साल तक 134 बैठकें हुई हैं पूरे देश भर में, और बहुत से बैठकों के गवाह हैं। प्रांजल श्रीवास्तव आरजेएस स्टार दिख रहे हैं मुझे, और जो कि उत्तराखंड की यात्रा में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के साथ रहे थे। एक हफ्ते तक हम लोग रात दिन जो है यात्रा करके और कई जिलों में उत्तराखंड के वहां के देसी व्यंजनों को प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि देसी व्यंजन हमें हर राज्य के बारे में प्रमोट करना है। तो आप सजेशन दे सकते हैं, ये आपका मंच है, आप अपने मंच को अपनाइए और अब सजेशन और सलाह दीजिए और देखिए उस पर अमल होगा। ये आपके ब्रेन चाइल्ड, कुछ भी ब्रेन चाइल्ड हो सकता है, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, लेखक हैं, बड़े बड़े रिटायर्ड लोग हैं जो कि अब पूरे संस्थान के विभागाध्यक्ष रहे हैं लोग। ऐसे ऐसे लोग आते हैं फेसबुक लाइव में, तो थोड़ा सा सकारात्मक दिशा में इसको और आगे ले चलिए तो ये बहुत लोगों के लिए लाभ। आज ही मनोज जी हैं जो कि अखबार में पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, और उन्होंने दीपावली का संदेश दिया तो मैंने उनको भी बधाई दी, और फेसबुक में जुड़ने के लिए उनको जब मैंने धन्यवाद कहा तो उन्होंने कहा कि फेसबुक बहुत ही अच्छा होता है, ज्ञानवर्धक होता है, रुचिकर होता है, उन्होंने कहा ये बात। और एडिटर जो हैं एक और थे जिनकी वीडियो साझा की गई थी लाइव में, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि सकारात्मक पत्रकारिता आरजेएस जो है कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो बातें तो अच्छी हैं लेकिन हमारी भागीदारी होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लिख रहे हैं, आप आज के दिन अल्कोहल का उपयोग न करें, लक्ष्मी जी नाराज होते हैं। जी हाँ, और डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता है। जी हाँ, तो कहने का मतलब है कि अल्कोहल जो है वो दीपावली को अल्कोहल से जोड़ दिया गया है, लेकिन कहीं भी ये टिकता नहीं है। अल्कोहल निश्चित रूप से फायदेमंद तो नहीं ही है, लेकिन जो लोग लेते हैं वो अगर लिमिट में है तो ठीक है, लेकिन एवरीथिंग एक्सेस इज बैड। मैं तो इतना ही कहूँगा कि एवरीथिंग एक्सेस इज बैड, और गलत काम शुरू किया गया है। जी हाँ, तो अल्कोहल निश्चित रूप से बिहार में तो बंद है, लेकिन बताते हैं कि वहाँ पर भी यह। हाँ, देखिए डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, आपका जो जय हिंद है वो डॉक्टर शेख वहाब साहब जो कि विभागाध्यक्ष हैं इस्लामिया कॉलेज तमिलनाडु में, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, और वो पहुंच गया तो आप लोगों का बॉन्ड जो है वो मजबूत होगा, एक दूसरे को जानेंगे। प्रांजल श्रीवास्तव जी वंदे मातरम लिखते हैं और कहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ भविष्य उज्ज्वल रहेगा। तो चलिए, जय हिंद विष्णुपुरी जी लिख रहे हैं और हम भी जय हिंद ही कहेंगे। समय तो समापन हो गया लेकिन हम लोग इसको कल प्रस्तुत करेंगे, आप लोग 8 बजे जुड़िएगा और सजेशन दीजिएगा, ग्रुप में भी लिखिएगा और तैयारी कीजिए। PDF आप लोगों के पास जो है वो पहुंच जाएगी 18 नवंबर को, आप लोग नंबर अपना दे दीजिएगा, क्योंकि आप नहीं नंबर देंगे, रिलीज़ आप लोगों को यहाँ पे 20 नवंबर को 8:30 बजे करना है, उस पर कमेंट करने के लिए PDF भेजी जाएगी, उस स्पेशल फेसबुक लाइव होगा
और उसमें हम लोग बहुत अलग अंदाज में उस कार्यक्रम को करेंगे आप लोगों के साथ। आप लोग जो सजेशन देंगे तो निश्चित रूप से इसमें और ही बेहतरी आएगी, और वो बेहतरी देश के लिए बहुत ही अच्छी होगी, और राष्ट्रीय गीत आरजेएस का जो है उससे हम इस कार्यक्रम का आज का समापन करते हैं। 92वां अंक तक हम लोग पहुंच गए हैं, 92 एपिसोड आज प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह से एक इतिहास तो इधर भी निर्माण आरजेएस ने शुरू कर दिया है। 100वां एपिसोड के उपलक्ष में आपको 20 नवंबर को, 100वां एपिसोड 21 नवंबर को होता है, तो 20 नवंबर को 8:30 बजे आप लोगों को ही वो PDF लॉन्च करना है कमेंट बॉक्स में जाकर। तो अब आइए सकारात्मक सॉन्ग के साथ हम लोग कार्यक्रम का समापन करें। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं, ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। तो इसी सकारात्मक सोच और मुस्कान के साथ उदय मन्ना को अनुमति दीजिए। जय हिंद जय भारत कल 8:30 बजे इसी मुस्कान के साथ, सकारात्मक सोच के साथ उपस्थित होंगे, और विचार और सुझाव ग्रुप में भेजते रहिए, पर्सनल भी मुझे भेजते रहिए, जुड़े रहिए। सकारात्मक भारत आंदोलन का इतिहास आरजेएस के नाम। जय हिंद जय भारत।